बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बलाची स्टेट के प्लेटफॉर्म से दानियल चौधरी व्यूवर्स एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। व्यूवर्स आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा DHFS 13 के हवाले से। DHFS 13 के अंदर इस टाइम क्या प्राइसेस चल रही हैं और इसके मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। जैसे कि हम आपको वीकली अपडेट्स देते हैं तो इसी तरह आज भी मैं आपको इसकी प्राइसेस अपडेट करूँगा और थोड़ा मार्केट ट्रेंड बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी प्राइसेस को डिस्कस कर लें तो DHFS 13 के अंदर जो 5 मरला की प्राइस है वो इस टाइम 32 लाख से 50,000 के बिटवीन में जो है वो चल रही है। इसके अंदर 20-30,000 का जो है वो अप डाउन आता रहता है। और अगर हम लोग इसके 10 मरला की बात करें तो 10 मरला की फाइल इस टाइम मार्केट के अंदर 49 लाख से 50 लाख के बिटवीन में चल रही है। आज की अगर हम लोग करंट बात करें तो आज इसकी जो मार्केट के अंदर डिमांड हो रही थी वो आपको 49,75,000 में मिल रही थी और इस टाइम जो इसका बायर था वो इस टाइम कोई 49,25,000 का बायर था। और इसका जो वन कनाल है, वन कनाल की जो प्राइस है वो पहले से थोड़ी बेहतर होती नज़र आई है। वो 82-82.50 के बिटवीन में थी लेकिन अभी मार्केट के अंदर वो 83 के अंदर डिमांड की जा रही है लेकिन उसका परचेजर थोड़ा भी नीचे है। तो अगर इसकी ओवरऑल हम लोग मार्केट ट्रेंड की बात करें तो इसकी प्राइसेस इस टाइम काफ़ी लो हुई हुई हैं। इसकी प्राइसेस लास्ट डेज के अंदर जो है वो 5 मरला की 28-27 को भी गई है और फिर उसके बाद इसकी जो है वो एकदम से प्राइस दोबारा रिवाइज हुई है और इसकी प्राइस 33-34 पे गई है और उसके बाद फिर ये 32 पे आ गई है। तो व्यूअर्स अभी ये लास्ट वन वीक से जो है वो 32-33 के बिटवीन में ही इसकी प्राइस चल रही है और अभी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूज़र हैं, वो यही देख रहे हैं कि इसकी प्राइस दोबारा जो है वो 29-28 पे है तो हम लोग इसको परचेज़ करें। तो अभी आने वाला टाइम अल्लाह ताला की ज़ात को बेहतर पता है लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि दोबारा इसकी प्राइस जो है वो 27-28 पे जाएगी। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो इसमें परचेजिंग करना चाह रहे हैं वो अभी यहाँ पे परचेजिंग कर लें क्योंकि इसकी प्राइस कुछ अर्से में बेहतर हो जाएगी। जैसे ही इसकी हेयरिंग की कोई न्यूज़ आती है या इसकी लोकेशन की कोई न्यूज़ आती है तो इसकी प्राइस आपको बेहतर होती नज़र आएगी। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि DHFS 13 फ्यूचर का एक बड़ा ब्राइट प्रोजेक्ट होगा और अभी यहाँ पर इसकी सेल परचेज अभी भी मार्केट के अंदर काफ़ी बेहतर है। अगर आप फाइल लेते हैं या अगर आप सेल करते हैं तो आपकी फ़ाइल की फ़ौरन से ऑफ़र आ जाती है जो भी मार्केट रेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आज आप 32.5 के अंदर फाइल लेते हैं और आपके अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और आप उसके बाद इसको 2-3 दिन रखने के बाद आप कहते हैं कि मेरी फ़ाइल को सेल कर दो तो आपको इसकी फ़ौरन ऑफ़र आ जाती है। और ऑफ़र भी ऐसे नहीं आती कि अगर आपने 32-50 की फ़ाइल ली है तो आपकी फ़ाइल जो है वो 30 लाख की बिकेगी। इसके अंदर कोई 10-15 हज़ार का डिफरेंस होता है और उसमें आपकी फ़ाइल ट्रेड हो जाती है। तो ये एक कैश है और जो लोग कम बजट में अब DHA के अंदर एंटर होना चाहते हैं या DHA के अंदर फ्यूचर में अपना प्लॉट बनाना चाहते हैं तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो DHFS 13 के अंदर परचेजिंग करें और फ्यूचर के अंदर जो है इसे एक अच्छा बेनिफिट लें। तो व्यूअर्स आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर भी शो हो रहा है, आपने अगर अपनी फाइल को सेल करना है या परचेज़ करना है तो आप दिए गए नंबर्स पे हमें एक बार ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतर तरीके से अपडेट करेंगे। ब्लास्ट रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।